कहते हैं कि गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं, और भैया पराए भी अपने हो जाते हैं जब चार पैसे पास होते हैं। ये दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल है। मुसीबत के समय पता लगेगा कौन है। इसीलिए दुनिया में कोई अपना नहीं है, अगर वास्तव में कोई आपका है तो वो भगवान है। इसीलिए भगवान से कहना संकट हमारा, संकट हमारा कैसे कटेगा। सारे कह दो तुम ना हो, तुम ना जो जो सुनाने आए हैं उठा लो सीधे सीधे हाथ, भाव भरी ये दुनिया सारी, आज काटू वाली
कहता बाबा मेरे जीवन में वैसे ही बड़ी परेशानी है और आप फिर भी परेशानी पे परेशानी डाल रहे हो, लेकिन भगवान परीक्षा उसी की लेता है जो परीक्षा में पास हो सके। भगवान परीक्षा उसी की लेता है जो भगवान की ज्यादा पूजा सेवा करता है। ये आजमा के देख लेना, जिस दिन ज्यादा पूजा सेवा करने लग गए बाबा लीला रचने लगेगा, आपकी परीक्षा लेने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो आपको इतना मजबूत बना देगा, जब तक वो आपको हर संकट से लड़ने लायक बना देगा, आपकी परीक्षा जरूर लेगा लेकिन आपको गिरने नहीं देगा। एक प्रेमी हार कर दरबार में आता है, आंसू आंखों से बह रहे हैं और अपने बाप से बोलता है, बिगड़े हुए का वाले गा दो तुम बिना। अच्छा, किस किस के जीवन में परेशानी है जरा हाथ उठाओ। सबके जीवन बाबा, जिस जिस के जीवन में परेशानी है आज हाथ पकड़ लेना। ये इंदौर का एक एक बच्चा गा कर कहेगा मिलकर, क्या ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ खाटू वाले तू हमेशा मेरे। तेरा
वजन अगर आपने सुना है तो भी गाना, नहीं सुना है तो भी गाना। ये ना श्रृंगार का भजन है ना तारीफ का भजन है, ये सिर्फ अपने दिल की बात अपने बाप से, अपने बाबा से, भाई दोस्त बाप जिस रिश्ते से मानते हो उस रिश्ते से गाकर कह देना। और मिलकर सारे दोनों हाथ उठा लो इस भजन में, जो हार कर बैठे हैं वो हाथ उठाना, जिसे बाबा की जरूरत है वो हाथ उठाना। आइए जरा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनो होगी। दोनों हाथ उठे, विश्वास वाली ताली बजे। दरबार में मौजूद हो, 8 बजे से 9 बजे से आकर बैठे हो, बिना समय देखे अभी तक भजन गा रहे हो, हर तरह का भजन गा रहे हो, आनंद ले रहे हो, बाबा को निहार रहे हो, कह दो बाबा से कि बाबा आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया गा दो सुनाई जिंदगी से दुखों की विदाई हो जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो मानो का एहसान, तेरा मानो संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कौन हरेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। दुनिया का नियम है, सैकड़ों गर्जमंद मिलते हैं, काम के लोग तो चंद मिलते हैं, सैकड़ों गर्जमंद मिलते हैं और काम के लोग तो चंद मिलते हैं, और जब जब मुसीबत का समय आता है सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। एक दरवाजा खुला मिलेगा, लेकिन तब तब खुला मिलेगा जब आपका विश्वास प्रबल होगा, विश्वास द्रौपदी वाला, विश्वास मीरा वाला। हमें तो है, अगर आपको है तो दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, मिलकर कह दो बाबा पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, अरे अपने हाथ से हाथ पकड़ना मानूंगा
कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अगर ये भजन भी नहीं आता हो तो ये भजन सबको आता है। अगर कृपा चाहिए, कृपा की दृष्टि आप पर हो ऐसा चाहते हो तो कह देना बाबा से कि बाबा मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे काटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, काटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। साथ मांगो दरबार में आज, जब भी जाओ ना साथ मांगने तो ऐसा वैसा साथ मत मांगना, साथ मांगना बाबा जैसे दीपक और ज्योति साथ रहे, जैसे दीपक और बाती साथ रहे, जैसे दीपक और बाती साथ रहे, जैसे दीपक और बाती साथ रहे। मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, हाथ वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। लगाओ मीठी मीठी ताली। दर्शन पाना ओ बड़ा अच्छा लगता है, घाटू जाना दर्शन पाना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर हो मगर जो भी है वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा उठाना। एक बार दोनों हाथ उठाना जिसे विश्वास हो, जो बाबा को ले जाना चाहता हो, दोनों हाथ सीधे सीधे। जो अंत तक रुकते हैं वो भक्त बड़े किस्मत वाले होते हैं। जरा कहना क्या, मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा, देखेगी खाटू वाले की दातारी, देखेगी ये दुनिया सारी, खाटू वाले की दातारी। शाम ना रुक पाएगा मेरा बुलाओगे,
शबरी ने बुलाया था रो रोकर, सारे साधुओं की कुटिया छोड़ के शबरी के मीठे झूठे और मीठे बैर खाए थे राम जी ने। द्रौपदी ने बुलाया था रो रोकर, जब भरी सभा में किसी ने नहीं सुना तो हार कर दोनों हाथों को उठाकर आंसू आंखों में आ रहे थे और गोविंद को आवाज लगाई थी कि बाबा मेरी लाज बचाने आ जाओ। जब भरी सभा में किसी ने लाज नहीं बचाई तो उस समय गोविंद आए थे लाज बचाने। मीरा ने रो रोकर पूरी जिंदगी भजन करे, पूरी जिंदगी चाहे गोविंद ने परीक्षा ली लेकिन अंत समय में खींच कर अपने अंदर समा लिया। और मीराबाई जैसे भक्त पूरी दुनिया में, जिन भक्तों का नाम है कि वो भक्त हुआ करते थे, वैसे भाव हो तो दोनों हाथ उठा लेना। अंतिम लाइन है, अभी तक कुछ भी नहीं गाया हो शुरू से लेकर आखिरी तक, तो ये दो लाइनें काफी है पूरे कीर्तन में मत गाओ लेकिन ये दो लाइनें गा लो। दोनों हाथ उठाओ जरा सीधे सीधे हाथ और अंतिम लाइन में मिलकर कहना, क्या आएगा वो लीले जल धारा आएगा।